press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फकर यूसुफजई को और उनकी स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज समझती हूँ, और क्योंकि इनसाइड द कोर्ट रूम मैं ऐसे ऐसे केसेस देखती हूँ जिसमें मुझे समझ में आता है कि मुसलमान मर्द या तो पजामे का नाड़ा ढीला करके रास्ते पे निकलते हैं, और पैंट पहनने वाले मुसलमान मर्द अपना जिप खोल करके ही निकलते हैं। तो गॉड से अब अगर नहीं सुधरे भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन मुसलमानों को आज जो इतनी कंट्रीज बाहर निकाल रही है कान पकड़ करके, कल को ऐसा ना हो कि पूरे पाकिस्तान को खत्म करने में अरब का ही हाथ हो। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में MBS साहब जो बड़े आजकल बड़े फेवरेट है पूरे वर्ल्ड के, बहुत सारी चीजें हमने उनकी लास्ट 3-4-5 सालों में देखी। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उनके लोगों का जाना हो, और वही फ्लैग उनका होता है ग्रीन, जिसपे कलमा लिखा हुआ है, पहला कलमा उस फ्लैग के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन पूरी अरब वर्ल्ड में किसी की मजाल नहीं है कि उस लड़की को कहे कि ये क्यों किया हुआ आपने। अफसोस मुझे इस बात का है कि हम पता नहीं, एक तो वैसे ही हम बहुत बैकवर्ड है, और अब मजीद शायद इस मॉडर्न एरा में भी मजीद बैकवर्ड रहना चाहते हैं। अफसोस इस बात का है कि हम इसको बदलना भी नहीं चाहते। दूसरी चीज, नाज़िया हिंदुस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी चीज मैं देखता हूँ वो प्रॉपर्टी के अंदर शेयर है। आप क्योंकि लॉयर भी हैं, आपने रिलीजियस बुक्स भी पढ़ी होंगी, कुरान पढ़ा होगा, बाकायदा सिस्टर का हिस्सा होता है फादर के प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम लोग, हम सब, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, कोई ये स्पेसिफिक किसी को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, नहीं देते। नाज़िया उन बेचारी अपनी बहनों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, उनको उनके साथ जिसे कहते आना जाना तक छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने जायदाद में हिस्सा मांगा। उस जायदाद के अंदर जो उसके बाप ने या माँ ने छोड़ के इन सब बच्चों के लिए छोड़ी हुई है, उस पर ये लड़ रहे होते हैं। अफसोस मुझे उस बात के ऊपर, ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये हम गलत कर रहे हैं। एक आदमी को मैंने देखा हमारे इलाके में, कहते हैं मैं दोजख जाना पसंद करूंगा, मुझे कोई जन्नत जन्नत नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मौजूद है अभी भी वो शख्स मौजूद है। तो अफसोस मुझे इस बात का होता है कि यहाँ पे तो हमारा, हमें ना इस्लाम का पता है ना किसी और चीज का पता, कि मेरी बहन का राइट है मैं उसको दे दूं, और खुशी खुशी दे दूं कि भाई ये इस तरह का राइट आपका है, जिस तरह फखर यूसुफजई है उसी तरह उसकी बहन का भी। लेकिन यहाँ पे हमारा इस्लाम कहीं और रख देते हैं, और जहां पे हमें कोई इस तरह की लड़की नजर आती तो वहां तो हम कहते हैं पता नहीं नारे लगाना शुरू कर देते हैं, और वो बेगैरतों की तरह, सॉरी टू से, कि वो लोग नारे लगा रहे थे कि सरतन से जुदा और सरतन से जुदा। मतलब ये बकवास नहीं खत्म करनी नाज़िया, हमने शायद हम इसको खत्म करना ही नहीं चाहते। देखिए, हम तो खत्म कर देंगे भारत में, हम तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुसलमानों को एक मैसेज बहुत अच्छे से मिल चुका है, जब से मैं रोड पर उतरी हूँ। पहले तो मैं रोड पर नहीं उतरी, लेकिन बहुत मजबूरन मुझे रोड पर उतरना पड़ा और अपनी बातों को रखना पड़ा, कि जब से मैंने रोड पर अपने कदम को रखा और मैंने तमाम हिंदुओं को कहा कि जो कोई भी तुमसे कहे कि सरतन से जुदा गुस्ताखे रसूल की सजा, तुम भी कहो अपमाने राम की सजा सरधड़ से जुदा, तुम भी कहो, ऐलानिया कहो। हर धर्म को अपने अपने भगवान की आस्था और उनकी इज्जत बहुत, इज्जत सबको चाहिए, बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों का दो ही आइडेंटिफिकेशन रह गया है फकर भाई। पहला आइडेंटिफिकेशन इनका रह गया है कि मुसलमान मर्द गोल्ड डिगर, पैसे के लालची होते हैं, जो पैसे के सामने अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी, किसी को नहीं समझते हैं। लफ्ज औरत अगर सामने आ जाए तो उसका हक कैसे मारना है, इनकी सारी स्ट्रेटेजी इनको इनके मजहब की किताब से ये निकाल करके मुल्लाओं की मदद से रख लेते हैं। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मुसलमान मर्दों का रह गया है अश्लील। अश्लीलता कैसे करनी है, इसमें पूरी मदद मौलवी मुल्ला भारत से लेकर के पाकिस्तान तक मर्दों को पूरा पूरी मदद करते हैं अश्लीलता मचाने की, जिसकी जिंदा मिसाल आपने वो मार्केट में देख लिया आपके यहाँ, कि मौलानाओं ने मॉब को नहीं छाड़ करके उस औरत को ही नाक रगड़वाया। तो यही दो आइडेंटिफिकेशन मुसलमान मर्दों की है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया मुसलमान मर्दों के लिए, और दूसरा मुसलमान मर्दों के लिए औरत
is just a sex toy and nothing else. Nothing else. ठीक अच्छा नाजिया थोड़ा सा ये चीज तो मैं यही कह रहा हूँ आप जिस तरह कह रही कि हम खत्म करके छोड़ेंगे और बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल हमें भी इसे लर्न करना चाहिए और वी शुड ट्राई फॉर दैट एटलीस्ट कि भाई गलत है ये गलत है इस चीज के साथ अब मजीद नहीं चला जा सकता ये जो वो TLP के लोग हो या CLP के लोग हो या किसी और के लोग हो उनको साफ क्लियर कट शब्दों में कहना है कि बस भाई बस वो सॉन्ग होता था ना सजाद अली का बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब वो वाली बात करनी पड़ेगी इन सबको तब जाके ये शायद इंसान के पुत्र बनेंगे अदरवाइज मुझे नहीं लगता ना जी थोड़ा सा बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब बड़े सुपर्ब जा रहे हैं और अभी थर्ड टर्म की तैयारी है उनकी 5 M's ऑफ द मोदी गवर्नमेंट कल में एक आर्टिकल बल्कि आपके साथ मैंने शेयर भी किया था तो क्या मतलब हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ ये वाले दंगे फसाद और इस तरह के ड्रामे चल रहे हुकूमत बननी है नहीं बननी किसी के पास मेजोरिटी नहीं है कोई कहता है नहीं ये कर लेकिन आप लोग एक जैसे कहते हैं कि क्लियर कट चीजों के साथ चल रहे हैं कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बेस डिफेंस इकोनॉमी पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी इन चीजों को हमने एक जिसे कहते हैं ना सही पेस के साथ लेके जाना है क्या ये देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इस पूरी दुनिया को अगर सिविलाइजेशन संस्कार विजन फोकस सक्सेसफुल का मंत्र अगर किसी से सीखना है तो वो सनातनियों से सीखे और आज देखिए 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया जिस भारत की GDP 4% पर भी नहीं जाती थी आज ऑलमोस्ट 8% पर है जिस भारत की इकोनॉमी कहीं खो चुकी थी आज हम शायद 1 साल के अंदर सेकंड पोजीशन पर आने वाले हैं और इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से रख रही हूँ इन दिस 21st century हम आत्मनिर्भर भारत पर यकीन करते हैं जो हमारे मोदी जी ने एक ऐलान किया था अपने स्पीच के माध्यम से कि भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत आत्मनिर्भर हुआ बिल्कुल हुआ छोटे से छोटा कारोबारी और छोटे से छोटे स्कूल भी आज इतनी शिक्षा से लेकर के कारोबार से लेकर के टेक्नोलॉजी से लेकर के साइंस से लेकर के हर एक सेक्टर को आप देखिएगा मोदी जी ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं और मैं कोई झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ इसके इसके इसकी पुष्टिकरण आप भी कर सकते हैं और आप लोग भी हर वक्त न्यूज चैनल्स पर देखते रहते हैं कि मोदी जी किसी ना किसी कार्य में ही लगे रहते हैं अब इसी दौरान संडे आज ट्यूजडे है संडे उन्होंने जहां पर एक तरफ द्वारका में जा करके भगवान कृष्ण के के आस्था को और उनकी पूजा आराधना की समुद्र के भीतर जा करके उसी दूसरी तरफ उन्होंने गुजरात में बहुत बड़े एम्स हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी किया अब क्योंकि गुजरात उनकी जन्मभूमि है गुजरात में वो पैदा हुए वहीं फले फूले और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम के आगे दा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लगा तो वो गुजरात से ही लगा 15 साल एक सफल एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे और आने वाले वक्त में पता नहीं 25 साल 35 साल 50 साल वो प्रधानमंत्री सफल रहेंगे आमीन सुम्मा आमीन मैं तो दुआएं करती हूँ नमाज में 4 एम्स जो है वो और भी इनॉग्रेशन हुआ पंजाब भटिंडा उत्तर प्रदेश रायबरेली और वेस्ट बंगाल 5 ऐसे एम्स और भी हुए सबसे अच्छी चीज है कि 1956 में एक एम्स बना था जो अभी इस वक्त जो है वो 7वें पोजीशन पर है और हमारे लिए बहुत फक्र की बात है उसके बाद फिर 2012 में एम्स भोपाल बना था जो अभी 38वें पोजीशन पर है एम्स भुवनेश्वर जो है वो भी 2012 में बना जो 17वें पोजीशन पर है उसके बाद फिर ऋषिकेश का एम्स वो भी 2012 में बना और 22nd पोजीशन पर है एम्स नागपुर बना जो 2014 और 15 में जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी के हाथों हुआ एम्स बीबी नगर हैदराबाद में 2019 में उसके बाद फिर एम्स गुवाहाटी जिसका फाउंडेशन स्टोन मोदी जी के हाथों किया गया था 12 जनवरी 2021 में एम्स कल्याणी संडे के दिन इनॉग्रेशन हुआ लेकिन फाउंडेशन स्टोन जो है वो 7 अक्टूबर 2015 में ही हो चुका था उसके बाद एम्स भटिंडा पीएम मोदी ने 2016 में इसको इनॉग्रेट किया इसका स्टोन रखा था और संडे के दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद एम्स मंगलगिरी इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2018 में हुआ था लेकिन इसका इनॉग्रेशन जो है वो संडे के दिन हुआ अब ये 5 बड़े एम्स का इनॉग्रेशन उन्होंने किया है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस
नर्सिंग को लेकर के, एमबीबीएस डॉक्टर्स को लेकर के, साइकाइट्रिस्ट को लेकर के, न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर के, साइकोलॉजिस्ट को लेकर के और गायनोकोलॉजिस्ट को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ नाज़िया खान जी ने अपने दमदार तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया बल्कि भारत में रह रहे जो शांति दूत है उनकी भी जम के बैंड बजाई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।